लिविंग वेज के एकदम। जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. गाइस देखिए, अभी चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है कुछ ही मिनटों में। अभी आप देख रहे हैं लाइव मंटू ऋतुराज ब्लॉग पे। ये देखिए अभी 8 किलोमीटर दूरी पे अभी खड़ा हुआ है, धीरे धीरे लैंड 145 सेकंड। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। 3 किलोमीटर से भी 2.331 एल्टीट्यूड पे अभी है, बहुत ही तेजी के साथ। वी आर वेरी क्लोज टू द मून सरफेस, नियरली 2.6 किलोमीटर्स एज वी कैन सी। फाइनली लैंड होने वाला है। आप देख रहे हैं मंटू ऋतुराज ब्लॉग और अभी चंद्रयान 3 लैंड किया है। जस्ट उसके खुशी में हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं संदीप भाई के यहाँ। देखिए कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं यहाँ पे, और भाई ललित ने आज पार्टी दिया है ब्रेड पकौड़ा का। दिखाते हैं जल्दी से फटाफट चंद्रयान 3 कैसे लैंड किया है मून पे, तो बने रहिए और देखते हैं मंटू ऋतुराज ब्लॉग और आपको दिखाते हैं आगे ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की हाइट लगातार कम होता जा रहा है इस समय। वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at 0 velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्र